नेताओं की नेतागिरी चमकनी चाहिए बस। पब्लिक जिए या मरे उससे क्या फर्क पड़ता है। गौर से देखिए, ये तस्वीरें उसी सोनीपत की हैं जहां कोरोना के बढ़ते मरीजों को लेकर सरकार की नई गाइडलाइंस लागू हैं। स्कूल बंद हैं, पुलिस सड़क पर पकड़ पकड़ कर गरीबों और लाचारों के चालान पर चालान काट रही है। मगर इनेलो महासचिव अभय सिंह चौटाला उसी सोनीपत में बिना मास्क लगाए आते हैं, भीड़ भी जुटाते हैं, प्रोग्राम भी करते हैं, लेकिन मजाल है कि कोई पुलिसकर्मी इन लोगों का चालान काटने की हिम्मत जुटा सके। जी हाँ, कहने के लिए कायदे और कानून सबके लिए होते हैं, मगर धरातल पर ऐसा होता नहीं है। बल्कि होता ये है कि नेता सारे नियम खुद तोड़ते हैं और पुलिस सब कुछ देखकर भी कुछ नहीं कर पाती। कौन नहीं जानता हरियाणा में कोरोना और ओमिक्रॉन के मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन अभय चौटाला तो बेफिक्र होकर ऐसे घूम रहे हैं कि मानो कोरोना क्या होता है, कितना खतरनाक होता है, इन्हें पता ही नहीं है। हैरानी की बात यह भी है कि अभय चौटाला ने इस मौके पर न तो खुद मास्क लगाया था और न ही मिलने के लिए आ रहे लोगों को मास्क लगाने के लिए उन्होंने बोला। इन तस्वीरों से साफ होता है कि अभय चौटाला को कोविड नियमों से कोई सरोकार नहीं है और न ही उन्हें अपने समर्थकों की परवाह है। वरना कोरोना के कहर को कौन भूल पाया है, इसलिए कम से कम अभय चौटाला यहां लोगों से मास्क लगाने की अपील तो कर ही सकते थे। बता दें कि हरियाणा प्रदेश में बीते दिन 2700 से भी ज्यादा नए कोरोना मरीज मिले। स्कूल कॉलेज सब बंद पड़े हैं। संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए बाजारों को भी शाम 6 बजे तक बंद करवा दिया जाता है। लेकिन जन प्रतिनिधि होने के नाते इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव अभय सिंह चौटाला अपनी जिम्मेदारी कैसे निभा रहे हैं, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से सहज ही लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।